खुबोर का बातीसी टीवी लवन राशिपी तक ऑरेंज निशान लूम सो फो निय फैब्रिकेट शिलोंग उमंत्री खन्ना का सरकार पदेंग व पेजिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एसपी सिंह बघेल उला आइजिंग मुदिय का सरकार मिगालिया बकदेबन पिनखलन ये किजिंग त्रिकम जोंग फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खनामन पिनस्टेट हगब पिनलोंग ये किजिंग टॉकेट किबयते बट की कम रुना रुसेर हपो कनिक जिल्ला मिगालिया हक जिंग करें मट की लाट पथाई खुबोर हक लाई फौतरिक उबनाय नाइलोर आर हजार आरफुआई उ बघेल उल ओंग बकथनट पुलित कडोन नि की तियार की बकरपंग ने कबंता बन टॉकिट लिंगबा का डीएनए बट की वे दे की जजिंग ले टेस्ट उल ओंग बलादा का जिल्ला मेघालया करला बन ले यकिनी की जजिंगवाट बनिया हपो का जिल्ला नमर कथा कान पिनस्टेट रू यक येंग बिशार बन आय राय हक बे दे बट का जिंग पिन सजा यकिन नोंगले कम बमन कनी का जिंकंतु जोंग बघेल कलोंग हदीन बकतनात पुलित जोंग कनी का जिल्ला मेघालया कलाहा बन अप खमस्लेम बन यो एक काइफोट जोंग का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बलजुफा शबार का जिल्ला नक बंता बन लेटेस मत कनी का जुपनस्लेम हदो कता कता ये का जिंग टॉकेट जोंग कतनात पुलित ये की कम बमन की बजुजिया हगनी का जिल्ला नक पोर शकपोर उनी मंत्री का सरकार पदेंग ओबलवन यो कचत हगनी का नोंगवा शलोंग उले यो लाड रु बन ये कंदो करपंग बट की रिकॉर्ड जोंग का मेघालया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बट यो मंत्री कतनात लॉ उ जेम्स पीकी संगमा यहां पर जो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो एफआईआर हो जाती है एक नियम है हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा था जिससे लोगों को ये जानकारी होगी तो मिसयूज भी होता है लेकिन फिर भी लोगों को कानून जानना चाहिए अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती है तो कोर्ट के सामने कोई जाएगा तो 156 3 में वो एफआईआर करने को कहते हैं ऐसे उत्तर भारत में केस बहुत आते हैं कि पुलिस के पास गए पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो कोर्ट ये नहीं कहती है कि आप अरेस्ट करो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि चार्जशीट लगाओ कोर्ट ये नहीं कहेगी कि एक्सपंज करो कोर्ट ये नहीं कहेगी कोर्ट कहेगी यू हैव टू लॉज द एफआईआर फर्स्ट देन दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो एविडेंस के आधार पर होगा तो यहाँ 156(3) में पब्लिक कोर्ट के जजेज लोग थे उनसे पूछा मैंने कमिश्नर साहिबान से तो ऐसे केस नहीं आते हैं बहुत अच्छी बात है आपका ट्रेडिशन बहुत अच्छा है कि डाउरी एक्ट के मुकदमे जो उत्तर भारत में बहुत लिखे जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है थोड़ा नारकोटिक्स एक्ट का उसमें है कि FSL वगैरह थोड़ा वेल इक्विप्ड हो जाएं और ये जो फॉरेंसिक लैब हैं वो थोड़ा फास्ट अपना फाइंडिंग दे दें तो अगर कोई झूठा जेल में बंद है तो उसकी रिपोर्ट आने पे वो उसकी बेल हो जाएगी और सच है तो बेल नहीं होगी उसको कन्विक्शन भी हो जाएगा अब पुलिस को बहुत साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत है हमारा तो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है हम होम से नहीं हैं लेकिन फिर भी DNA टेस्ट फुट प्रिंट फिंगर प्रिंट नार्को टेस्ट लाई डिटेक्टर सीमन टेस्ट ब्लड टेस्ट हेयर बाल का ये सब टेस्ट हों तो क्या है कन्विक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ये होता है कि वादी कंप्लेंट करने वाले की रिपोर्ट और उसके गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे तय होते हैं तो साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है माननीय मोदी जी महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के प्रति बहुत संवेदनशीलता का परिचय प्रधानमंत्री ने दिया है आपने देखा कि माइनर के साथ पास्को लग रहा है देन पास्को फास्ट ट्रैक में भी जा रहा है देन उनकी सुनवाई जल्दी हो रही है वजह वजह भी एक केस ऐसा हुआ है जिसमें 4 दिन में उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है इन 4 डेज बिकॉज देयर वाज साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट केस के लेट होने के कई रीज़न हैं सपोज किसी के फादर का मर्डर हो गया उसको भी टू प्रूफ सजा दिलाने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा और कई बार आना पड़ेगा तो मोस्टली ये होता है कि मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँगा उसकी फसल कट रही है तो वो कहेगा वकील साहब तारीख ले लेना आपने एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी पिक्चर थी तो पेंडिंग केस का यहाँ पर जितने हाईकोर्ट में जजेस की आवश्यकता है उतने हैं जुडिशरी ऑफिसर्स की कमी नहीं है लेकिन कोई भी केस फाइंडिंग पर पहुंचने तक लास्ट तक पहुंचने तक बहुत चीज़ों से गुजर जाता है हमारा कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह आदमी को जेल
सजा नहीं होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुलजिम के कहने पर कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होगा। मेरा राजनीति का चूँकि थोड़ा लंबा है, मैं 23 ईयर पहले मैं संगमा जी के साथ एमपी हुआ करता था इन 12th पार्लियामेंट, 13th पार्लियामेंट, 14th पार्लियामेंट। तो खैर बेल आउट होगा या जेल में होगा उसकी, वहाँ से हो जाएगी। तो जो जो पार्टी एफआईआर करती है और फिर आईओ चेंज हो जाता है, आईओ का दूसरा जिला हो जाता है, जिस दिन उसकी एविडेंस है ही विल सेंड ए मैसेज टू द कोर्ट कि देर इज ए लॉ एंड प्रॉब्लम इन माई डिस्ट्रिक्ट, सो टूडे आई एम अनएबल टू अटेंड द कोर्ट एंड इंस्टीट्यूशन। बट इन कंपेरिजन ऑफ द अदर स्टेट्स बहुत कम है। कुल मिला के हाई कोर्ट में 7-7 हंड्रेड के आसपास केस हैं और ज़्यादा नहीं है। लोअर कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, उसके बहुत सारे कारण हैं कि अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई है, वो आदमी भाग गया है, यहाँ रह ही नहीं रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया है। तो लंबित का मतलब कभी ये नहीं होता है कि केस क्लोज हो गया है, कई उसके रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके लंबित होने के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने ऐसे तमाम लॉ जो इरेलीवेंट थे ब्रिटानिया हुकूमत ने बनाए थे, वो उन्होंने इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और हम गुलाम लोगों के ज़्यादा पक्ष नहीं रखा था, तो ऐसे तमाम कानूनों को बर्खास्त किया जा रहा है जो जिनकी लोगों को ज्ञान भी नहीं है। और जो आप जैसे भारत के संविधान में भी आप देख रहे हैं 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, तो जो कानून पुराने हैं ब्रिटिश पीरियड के तो वो सब जरूरी नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में परिवर्तन होते रहें, और जब ऐसी कोई बात बहुमत के, डेमोक्रेसी तो बहुमत से चलती है, कोई ऐसी बात होगी तो विचार किया जाएगा।